दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केटोकेम सीटी सोप के बारे में। आज हम जानेंगे डॉक्टर केटोकेम सीटी कब सजेस्ट करते हैं, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसे लगाने पर हमें क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर इससे हम बात लेते हैं या इससे हम अपना बॉडी वॉश करते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होगा और इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी मेडिसिन या ऐसी कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देने का है। कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन या ऐसी कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आमिर एंड यू वॉचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटे वाले बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आप मेरा वीडियो मिस ना कर सके। दोस्तों केटोकेम सोप के बारे में, केटोकेम सीटी सोप के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। इसमें दो तरह के इंग्रेडिएंट है, केटोकोनाजोल और सेट्रीमाइड। सबसे पहले जानते हैं केटोकोनाजोल क्या है। दोस्तों केटोकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कई सारे स्किन कंडीशंस में इसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दाद होना, खाज होना, खुजी होना या रिंगवर्म होना, अलग अलग तरह की एलर्जीज, एलर्जी में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये खुजली में बहुत अच्छा यूज होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। केटोकोनाजोल एक तरह का पी ओवल फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में काम आता है, जिसकी वजह से स्किन में इन्फेक्शन होते हैं और खुजली होता है। आइए इसके बाद जानते हैं सेट्रीमाइड के बारे में। दोस्तों सेट्रीमाइड एक एंटीसेप्टिक है जो घाव और जख्म को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कीटाणुओं को मारता है और जख्म को जल्दी भरने में मदद करता है। ये स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम में, स्किन के बहुत सारे कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कीटाणुओं के वजह से होते हैं। ये स्किन के मामूली जख्म को जल्दी ठीक करने में काफ़ी मददगार है। दोस्तों केटोकेम सीटी की बात करें, केटोकेम सीटी सोप के बारे में बात करें तो ये कंप्लीट एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक सोप है। ये बैक्टीरिया को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और फंगल इन्फेक्शन का भी इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों इसके एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं अगर किसी को केटोकोनाजोल या सेट्रीमाइड से कोई एलर्जी है तो इसके एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रैशेस होना, जलन होना या चुभन होना स्किन में ऐसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट कभी कभी किसी किसी को होता है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि ये एकदम सेफ है, लेकिन अगर किसी को इन दोनों इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही केटोकेम सीटी सोप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों आज मैंने आपको केटोकेम सीटी सोप के बारे में जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।